व्हाट्सअप गाइज, आई एम रोहित खुराना एंड वेलकम टू कुकबुक बाय रोहित। आज की जो रेसिपी है वो है हर पार्टी की शान। टेस्टी, हेल्दी और बनाने में बहुत ही आसान। थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। आज की रेसिपी है पनीर टिक्का। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होने वाली है। काफी चटपटे होते हैं ये और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है। एकदम तंदूर जैसा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। बहुत ही मजा आता है खाने में। और साथ ही में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपनी स्पेशल ग्रीन चटनी की रेसिपी, जो टिक्के और कबाब के साथ बहुत ही जबरदस्त लगती है। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे और मीडियम साइज क्यूब्स कट करेंगे। उसके बाद नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल के विल टॉस एंड टर्न। उससे होगा ये कि नमक अंदर तक जाएगा और पनीर अपना पानी छोड़ेगा। उसकी वजह से पनीर थोड़ा फर्म हो जाएगा एंड पकाते हुए टूटेगा नहीं। अब एक बाउल में हाफ कप हंकड़ ले रहा हूँ, यानी कि बंधा हुआ दही। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर की मैरिनेशन बनाने के लिए अब एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग 3-4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 2 टीस्पून चॉप्ड जिंजर। हल्का सा पका लेंगे और गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन और लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए। इस स्टेज पर गैस ऑफ कर देंगे और डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन को हंकड़ वाला जो मिक्सचर रेडी किया है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैरिनेशन में बेसन इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो ऑयल को बांध कर रखता है, अदरवाइज जैसे ही हीट लगेगी पूरा का पूरा मैरिनेट ऑयल के साथ ही बह जाएगा। हमारे पास अनियंस है जिसके हम इस तरह से पेटल्स निकाल लेंगे। बेल पेपर्स है ग्रीन एंड येलो और इनके हम डाइसेस काटेंगे। अब मैरिनेशन में हम पनीर डालेंगे और प्यार से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर टूटे ना। उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अब स्क्यूअर लेंगे और उसमें सबसे पहले कोई हार्ड वेजिटेबल लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा ये कि वेजिटेबल होल्ड कर लेती है वरना पनीर तो बह ही जाएगा। इसी तरह से सारे स्क्यूअर्स रेडी कर लेंगे। अब एक ग्रिल पैन लेंगे और हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद पनीर ऐड करेंगे। तो जब तक हमारा पनीर टिक्का रेडी हो रहा है उतनी देर में फटाफट से अपनी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। अब एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 1 इंच अदरक, 3-4 गार्लिक क्लोव्स, 1 कप रफली चॉप्ड अनियन, 1 आंवला, 2-3 हरी मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून शुगर, 2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना,
नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून दही और 1 आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब डालने से चटनी का जो कलर है वो डार्क नहीं होगा। पेस्ट हमारी रेडी हो गई है, बट चटनी अभी रेडी नहीं हुई है। आप एक बाउल में 1 कप ताजा दही लेंगे और उसमें जो पेस्ट है उसको ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी स्पेशल ग्रीन चटनी। आप कंसिस्टेंसी और कलर देखिए, है ना जबरदस्त। तो पनीर टिक्का भी हमारा रेडी हो गया है, साथ ही में ग्रीन चटनी भी तैयार है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे सर्व कर लेते हैं। पनीर टिक्का आप इस तरह से बहुत आसानी से घर पर बना सकते हो। इसके साथ में आप लच्छा प्याज सर्व करो, नींबू और चाट मसाला डाल के खाओ। ओए होए, बहुत ही मजा आता है इसे खाने में। तो एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।